नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में। तो आज अपने कर रहे हैं क्लास 10 अध्याय फर्स्ट वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के अंदर आज अपने सीखेंगे कि व्यवकलन यानी कि घटाओ करना आज सीखने वाले हैं। अपने को दे रखा है 800 में से 283 घटाने हैं। वैदिक विधि से इसको घटाओ करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से वैदिक विधि से अपने करेंगे। अब देखिए, 0 में से 3 घटाने हैं, क्या 0 में से 3 घटेगा? 0 में से 3 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसके लिए अपने क्या करना है, अब अपने देखेंगे कि 3 के अंदर कितना जोड़ें कि उसका योग 10 हो जाए। 3 के अंदर कितना जोड़ें कि दोनों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो अपने जानते हैं कि 3 में यदि 7 जोड़ देंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो 7 होता है वो क्या कहलाता है, 3 का परम मित्र। 3 का क्या कहलाता है, परम मित्र। यानी कि परम मित्र वो संख्या होती है जो दूसरी संख्या में जोड़ने पर दोनों का योग कितना हो जाए, 10 हो जाए। जैसे कि 3 का परम मित्र 7 हो जाएगा, 4 का परम मित्र 6 हो जाएगा, 5 का परम मित्र 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा। तो परम मित्र वो संख्या होती है जिसके अंदर दूसरी संख्या को जोड़ने पर दोनों का योग कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आया होगा कि परम मित्र किसे कहते हैं। अब अपने को देखिए, 0 में 3 घटेगा नहीं, तो 3 का परम मित्र देखेंगे क्या हो जाएगा, 7। तो 3 के अंदर 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो जो उसका परम मित्र है 7, 7 में 0 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 7 के अंदर 0 जोड़े तो 7 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो परम मित्र आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ के लिखना है। अब आपने इसका क्या ले लिया, परम मित्र ले लिया। जब आपने परम मित्र ले लिया आपने क्या ले लिया, इसका परम मित्र। परम मित्र जब भी आपने परम मित्र लिया तो उससे पहली वाली संख्या, उससे जस्ट आगे वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, एक छोटा सा डॉट लग जाएगा। उस डॉट का मतलब होता है हंसिल, ठीक है ना। उस जिस पे भी ये डॉट लगा होता है उस संख्या को आप एक प्लस करके रखोगे। प्लस करके कैसे, देखिए अब आपके पास 0 में से 7 घटाएंगे। 7 क्यों घटाएंगे, मैंने अभी बताया कि ये डॉट का मतलब होता है एक हंसिल। अब यहाँ पे 6 नहीं है, जिस पे भी डॉट लगा है वो संख्या होती है 7, 6 नहीं है उससे आगे वाली संख्या। कहने का मतलब ये होता है जिस पे भी डॉट लगा होता है वो संख्या, जो संख्या उसने दे रखी है उसे एक प्लस करके आप उसको बोलोगे। अब आपके पास है 0 में से 7 घटाने हैं, तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। अब 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 7 का परम मित्र हो जाएगा 3। 3 तो 3 में 0 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने परम मित्र लिया है, तो परम मित्र लिया तो इस पे भी डॉट लग जाएगा। अब आप देखो, 8 में से आपको 3 घटाने हैं, 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस पे भी डॉट लगा वो एक प्लस करके बोलना है। तो 2 8 में 3 घटाए, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अपने पास, देखिए 5 नीचे है 6, तो क्या 5 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो अपने देखेंगे 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 का परम मित्र हो जाएगा 4। अब 4 को इस संख्या में 5 में जोड़ना है, तो 4 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अपने इसमें परम मित्र लिए से आगे वाली संख्या पे डॉट लग जाएगा। अब आपके पास देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। अब 10 है तो 10 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 10 का परम मित्र हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि 0 में 10 जुड़ेंगे तभी 10 तो ऑलरेडी है ही। तो 0, 0 को 8 पे, 0 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 को 8 में जोड़ी, 0 को 8 में क्यों जोड़ा, दोबारा देखिए यहाँ पे अपने 9 नहीं है, यहाँ पे 10 है। अब 10 ऑलरेडी दे रखा है, 8 में से 10 घटेगा नहीं, तो अपने क्या करेंगे, परम मित्र लेना पड़ेगा। तो 10 में 1, 10 तो है ही, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 0 को 8 में जोड़े तो 8 आ जाएगा। अब अपने क्या लिया है, क्या यहाँ पे परम मित्र ले रखा था, परम मित्र तो अपने लिए ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 थे, 0 लिया था, तो 0 को परम मित्र में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप जो बेसिक मेथड आप यूज करते हो उसको भी आप लगा के देख सकते हो, सेम आंसर आएगा, लेकिन उस मेथड से ये मेथड कहीं ज्यादा आसान है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 का परम मित्र देखेंगे, 5 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 5। अब परम मित्र देखा है तो इस पे डॉट लगा देंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का परम मित्र हो जाएगा 4, 4 को 3 में जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे भी डॉट लग जाएगा क्योंकि परम मित्र लिया है। अब 4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है, 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4।
तो इस प्रकार से अपने को वैदिक विधि से व्यवकलन यानी कि घटाओ करना है। तो इस प्रकार से घटाओ करना है आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करो और डेफिनेट आप जो मेथड पहले कर रहे हो उससे ये बेस्ट मेथड है और आप आसानी से जल्दी से घटाओ इसे कर पाओगे। एक बार अगर आपको देखना है कि आपका जो मेथड है उससे क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अपने देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे आंसर लिया तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितना रहा 2, तो यहाँ पे आंसर लिया 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे कितना रहा 6, 6 में से यहाँ पे था 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 4, तो ये लीजिए बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, दोनों मेथड का कंपैरिजन करके देख सकते हो, उसकी तुलना में ये काफी आसान मेथड है। जिस बच्चे को भी घटाओ करने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो वो इस मेथड को सीख के आसानी से घटाओ कर सकता है। तो ये थे।